क्लास फोर आई एम रिपीटिंग द प्रीवियस लेक्चर पुराना मैं आपके लिए रिवाइज करी हूँ. मरवा प्लीज वेट अ सेकेंड, लेट मी फिनिश फर्स्ट. पहले मुझे फिनिश करने दे, आफ्टर दैट आई विल आस्क यू अबाउट योर कन्फ्यूजन्स. ठीक है, तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे में क्या हुआ था कि जो हिंदू और मुस्लिम्स का एक साथ रहने का प्रॉब्लम था, दैट दे डोंट वॉन्टेड टू लिव टुगेदर, वो एक साथ नहीं रहना चाहते थे, तो इस बात का एक सोल्यूशन जो था वो मुसलमानों ने निकाला था. एंड द सोल्यूशन वॉज दैट दे डिमांडेड फॉर अ सेपरेट नेशन. हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ ये था दैट वी शुड हैव अ सेपरेट नेशन फॉर आवर सेल्फ, वेयर वी विल बी लिविंग अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम. जो हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के अकॉर्डिंग गुजार रहे होंगे, हमें एक ऐसे नेशन की ज़रूरत थी. ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन था. एंड दिस सोल्यूशन वॉज प्रपोज इन द जो भी वो मीटिंग हुई थी उसमें जो है मुस्लिम्स ने ये सोल्यूशन जो था वो उन्होंने निकाला था. एंड दिस सोल्यूशन वॉज अप्रूव्ड, इस सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था. एंड इन द मेमोरी ऑफ दैट एक्सेप्टेंस हम लोग 23 मार्च को जो है वी सेलिब्रेट इट, इज सेलिब्रेट इट एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे. देन एज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, चूँकि वो पाकिस्तान के फाउंडर हैं, उन्होंने जो है पाकिस्तान को आज़ाद करवाया है, हमारे लिए ये कंट्री बनाई है, तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर हम लोग वो सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, उनकी पैदाइश की याद में. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लैंग्वेजेस. लैंग्वेज किसको कहते हैं, यू ऑल नो दिस. ठीक है, इट इज़ ऑन बुक पेज नंबर 3. काइंडली अपना बुक पेज नंबर 3 निकाल लें आप. लैंग्वेज मीन्स ज़ुबाने, लैंग्वेज कहते हैं ज़ुबान को. ठीक है, देर आर सो मैनी लैंग्वेजेज इन द वर्ल्ड, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, सिंधी, बलोची, पंजाबी, स्पेनिश और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, बट आवर नेशनल लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज़ उर्दू. ठीक है, उर्दू जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान है. ठीक है, लेकिन उर्दू के अलावा भी पीपल ऑफ पाकिस्तान दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. पाकिस्तान के लोग मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं उर्दू के अलावा भी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड उर्दू. बहुत से लोग जो हैं वो उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज इट इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज. ये हमारे कोर्स में है, हमारी बुक्स में है, हमें प्ले ग्रुप से उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है. ठीक है, क्योंकि हमने ऑफिसेज में इस लैंग्वेज को वी यूज़ दिस लैंग्वेज एवरीवेयर इन आवर नेशन. हम अपनी नेशन में हर जगह ये लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि दिस इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज. अब आपके स्कूल में वी ऑल आर पठान. ठीक है ना, आई मीन मेजॉरिटी ऑफ अस आर पठान्स. ठीक है, ज़्यादातर हम में से क्या हैं, हम पठान हैं. बट वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक पश्तो इन स्कूल. हमें स्कूल में पश्तो बोलने की इजाज़त नहीं है. ठीक है, बिकॉज उर्दू इज़ अवर ऑफिशियल लैंग्वेज. हम उसी में बात करते हैं जब हम ऑफिस में होते हैं, वर्क प्लेस पर होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो देन वी आर फोर्स टू स्पीक उर्दू. फिर हमारे पे क्या कंपल्शन होती है कि हमने उर्दू बोलनी है. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज एंड वी लव अवर नेशनल लैंग्वेज. हमें अपनी कौमी ज़ुबान से प्यार भी है. ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसे बहुत शौक़ से सीखते हैं और हम लोग इसे बहुत शौक़ से याद करते हैं, समझते हैं, बिकॉज दिस इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज. ये हमारी कौमी ज़ुबान है. ठीक है, ओके. बिसाइड दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के अलावा देर आर मैनी अदर लैंग्वेजेस दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्पीक. पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बोलते हैं. ठीक है, और उन वो जो ज़ुबानें हैं, दैट लैंग्वेजेस दैट आर कॉल्ड रीजनल लैंग्वेजेस. ओके मरवा हैज़ अ क्वेश्चन. ओके मरवा, आई एम गोइंग टू अनम्यूट योर मास्क माइक. अनम्यूट योर माइक प्लीज. यस मरवा, नाउ आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क. पूछें. आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है मुझे. मैंने आज क्लास ज्वाइन की, मैं कितने पेजेस जोड़ूं?
आप कितने भी पेजेस मत छोड़ें, क्योंकि अभी मैंने चैप्टर ख़त्म नहीं करवाया तो मैं कोई रिटन वर्क ही नहीं कराया, ठीक है? आपका गुड लक हो गया, ठीक है? मेरी बात क्लियर हो गई मरवा आपको? ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। ओके, सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दी लैंग्वेजेस अदर देन उर्दू, उर्दू के अलावा जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं हमारी कंट्री में, ठीक है? दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है ना? उनको कहते हैं रीजनल लैंग्वेजेस, क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रीजन में बोली जाती हैं। अ रीजन मीन्स एन एरिया। रीजन क्या होता है? कोई एरिया होता है, ठीक है? उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो जुबान बोली जाती है वो होती है रीजनल लैंग्वेज, ठीक है? और जिस जुबान को नेशनली बोला जाता है, ठीक है ना, कौमी सतह पर बोला जाता है और समझा जाता है, दैट इज कॉल्ड नेशनल लैंग्वेज, दैट इज उर्दू। एंड द रीजनल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन एन एरिया और इन अ रीजन, किसी इलाके में बोली जाती है, तो उसको कहते हैं रीजनल लैंग्वेज या इलाकाई जुबान, ठीक है ना? जो आपके इलाके में बोली जाती है दैट इज नोन एज रीजनल लैंग्वेज, उसको कहते हैं इलाकाई जुबान। अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन एन एरिया। फॉर एग्जांपल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपकी जो स्क्रीन है और मेरा बोर्ड है। जी सफ़र, जल्दी से पूछ लें क्या बात है। जफर आपका माइक आपकी तरफ से म्यूट है, ठीक है ना? आप पहले अपने माइक के ऊपर क्लिक करें, फिर उसके बाद आपका माइक की ऑप्शन आएगी और आप बोल सकेंगे, नहीं तो आप चैट में भेज दें जो भी क्वेश्चन है आपका। यू कैन सी दैट इन केपीके, अब जो हमारा प्रोविंस है यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ दिस पीपल दे स्पीक पश्तो, यहाँ पर ज्यादा तादाद में लोग क्या बोलते हैं? पश्तो बोलते हैं, ठीक है ना? पश्तो इज़ अ रीजनल लैंग्वेज, इलाकाई जुबान है, हमारे इलाके में बोली जाती है, हमारे रीजन में बोली जाती है, बट दैट इज़ नॉट नेशनल लैंग्वेज। कौमी सतह पर हर इलाके में हर जगह पे लोग इसको नहीं जानते, ठीक है? ओनली द पीपल ऑफ केपीके, ओनली द पठान पीपल नो हाउ टू स्पीक पश्तो, खाली उनको पता है, ठीक है? फिर केपीके में सिर्फ पश्तो नहीं बोली जाती, बल्कि हमारे साथ जो शहरी लोग रहते हैं, जो हिंदी स्पीकिंग लोग रहते हैं, वो अपनी जुबान बोलते हैं, ठीक है? तो देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना? लैंग्वेज का डिफरेंस है हमारे बीच में। हर कोई अपने इलाके में जहाँ पे रहता है वो जुबान बोलता है, या तो फिर उस जुबान को समझता है, ठीक है ना, अंडरस्टैंड करता है, पर वो बोलता है क्या है? अपनी मदर टंग बोलता है, ठीक है? जो उसके पेरेंट्स की लैंग्वेज होती है वो वाली लैंग्वेज बोलता है, सही है? इन सिंध पीपल स्पीक सिंधी लैंग्वेज। अब आई डोंट नो सिंधी, मुझे तो सिंधी नहीं आती, बिकॉज आई डोंट लिव इन दैट रीजन, मैं उस रीजन में नहीं रहती। द रीजन इन विच आई लिव, जहाँ पर मैं रहती हूँ, देयर मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक पश्तो, वहाँ ज़्यादातर लोग पश्तो बोलते हैं, सो आई अंडरस्टैंड पश्तो, एंड आई ऑल्सो नो उर्दू बिकॉज दैट इज़ माई नेशनल लैंग्वेज, वो मेरी नेशनल लैंग्वेज है, तो वो भी मुझे आती है, ठीक है? अयान नबील wants to ask something. अयान quickly, very quickly, ठीक है? जल्दी से बोले, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। मैम क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों 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 नहीं आपके पास क्वेश्चन? फिर हाथ क्यों खड़ा किया आपने? अयान आप या मुझसे बात करें या मामा से आप बात करें, आई हैव म्यूटेड योर माइक, ठीक है ना? जब आपके पास क्वेश्चन नहीं होता तो फिर मत हाथ रेज किया करें ना, फिर जो है टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? फिर टाइम ज़ाया होता है ना इस तरह, तो आप माइक मुझे आपका अनम्यूट करना पड़ता है, और जब मैं आपसे बात करती हूँ तो फिर आप लोग कहते हैं क्वेश्चन नहीं है। ओके, इन द रीजन ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में लोग क्या बोलते हैं? देयर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान स्पीक बलोची लैंग्वेज, वो बलोची लैंग्वेज बोलते हैं। एंड द पीपल ऑफ पंजाब दे स्पीक पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है ना? वो लोग क्या बोलते हैं? पंजाबी बोलते हैं, सही है? ज़रूरी नहीं है कि ये लोग सारे लोग यही जुबान बोलते हों। अगर पंजाब से कोई फैमिली आके केपीके में रहना स्टार्ट कर दे
तो वो जो है वो क्या करेंगे, वो तो अपनी पंजाबी लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो जहाँ रहता होगा उस रीजन की ही लैंग्वेज बोलेगा, सही है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक नेशन में रह रहे हैं तो यू हैव टू स्पीक दी नेशनल लैंग्वेज, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि नेशनल लैंग्वेज के अलावा भी ज़ुबानें बोली जाती हैं हमारे मुल्क में, एंड दैट आर कॉल्ड एज रीजनल लैंग्वेजेस, उनको हम कहते हैं इलाकाई ज़ुबानें। और वो कौन सी हैं, पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है। इसके अलावा देर आर सम अदर लैंग्वेजेस आल्सो दैट आर मेंशन इन योर बुक। द वन इज ब्राह्वी, ब्राह्वी इज द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन सम एरियाज ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में एक लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं ब्राह्वी लैंग्वेज। नेक्स्ट इज बल्ती लैंग्वेज, बल्ती लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान है ना, गिलगित बल्तिस्तान जानते हैं आप लोग, जो बहुत ठंडे एरियाज हैं गिलगित और बल्तिस्तान, तो वहाँ जो बल्तिस्तान का एरिया है, इन द रीजन ऑफ बल्तिस्तान पीपल स्पीक बल्ती लैंग्वेज। देन द अदर लैंग्वेज मैंशन इन योर बुक इज शीना लैंग्वेज एंड दैट इज स्पोकन इन गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है ना। गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाती है शीना लैंग्वेज एंड बल्ती लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित अलग जगह है, बल्तिस्तान इज अ सेपरेट रीजन, अलग जगह है, ठीक है। ब्राह्वी जो है दैट इज स्पोकन इन द रीजन ऑफ बलोचिस्तान, ठीक है, ओके। मरवा उस्मान का जो भी क्वेश्चन था वो तो मैंने मरवा से पूछ लिया ना, ठीक है। अच्छा जी, ये तो था, दैट वाज ऑल अबाउट द लैंग्वेजेस, ठीक है। मैं बाद में ग्रुप में ये पिक्चर भी शेयर करूँगी, ताकि अगर आप लोगों को कोई मीनिंग लिखना हो, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप यहाँ से देख के सॉल्व कर लें अपनी कन्फ्यूजन, ठीक है, ओके। पेज नंबर 3 इज फिनिश्ड, पेज 3 फिनिश हो गया है, कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ऑन द नेक्स्ट पेज इज रिलीजन। रिलीजन किसे कहते हैं, उमर ज़िया बस थोड़ा सा रहता है, उमर बोर हो गए हैं आप, ओके। ऑन द नेक्स्ट पेज द फर्स्ट हेडिंग इज रिलीजन, रिलीजन इज मजहब, ठीक है ना। 80% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर मुस्लिम्स, ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या हैं, वो मुसलमान हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके अलावा और रिलीजन के लोग भी हमारे साथ रहते हैं, एंड वी रिस्पेक्ट देयर रिलीजन, हम उनके मज़हब का एहतराम करते हैं, ठीक है ना। हमारे साथ कौन रहते हैं, हमारे साथ जो ज़्यादा लोग रहते हैं दे आर क्रिश्चियंस, ठीक है ना। उनमें जो माइनॉरिटीज़ जिनको हम कहते हैं, जो कम तादाद में हैं, जो थोड़ी तादाद में हैं, उनमें से क्या हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। क्रिश्चियंस हमारे कंट्री में हैं, इसके अलावा सिख भी हैं, कुछ एक आध और हिंदूज भी हैं, ठीक है। उनके जो रिलीजन है वो इस्लाम नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान शुड बी मुस्लिम्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग यहाँ पर रहेंगे वो सब के सब मुसलमान ही होंगे, लेकिन द रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इज बेसिकली इस्लाम, ठीक है ना। पाकिस्तान का जो मज़हब है वो इस्लाम है, ठीक है, लेकिन अगर किसी और मज़हब के लोग भी आके हमारे साथ रहते हैं ना, तो हम उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके मज़हब का एहतराम करते हैं, उनमें और हम में जो डिफरेंसेस हैं वी रिस्पेक्ट अबाउट दैट, हम उसके बारे में भी उनका एहतराम करते हैं, उनके जो भी तरीके हैं, उनके रिलीजियस वे ऑफ लिविंग है उनका, हम उनको कुछ भी नहीं कहते, वो अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब के अकॉर्डिंग गुजारते हैं। लेकिन The 80% people of Pakistan, they are Muslims, क्योंकि ये तो मुल्क हम लोगों ने हासिल ही इस्लाम के नाम पे किया था, ठीक है ना। क्योंकि हिंदुओं के साथ रह के हम लोग we were unable to live our life according to Islam, हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे, so we demanded for a separate state, हमने एक अलग separate state के लिए demand किया कि हम लोग वहाँ पर अपनी ज़िंदगी इस्लामिक कस्टम्स एंड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग गुजार सकें। इस्लामिक कस्टम्स क्या हैं, वे ऑफ डूइंग समथिंग, इस्लामिक वे ऑफ, इस्लामिक कस्टम्स
जो है वो क्या है, ज़िंदगी गुजारने के इस्लामी रिवायात, इस्लामी तरीके, जैसे हमारी जो रिवायत है वो क्या है, जो द इस्लामिक वे है ऑफ कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो हम क्या करते हैं कि हम लोग उसको जो डेड बॉडी होती है उसको हम लोग नहला के साफ करके उसको जो है रैप करके, जो कॉफिन होता है उसमें रैप करके और उसको हम बरी कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हिंदूज क्या करते हैं, देयर वे इज़ डिफरेंट, उनका तरीका हमसे अलग है। तो जो हमारे तरीके हैं ना, दैट आर आवर इस्लामिक कस्टम्स, ठीक है, वो हमारे इस्लामी तरीके, इस्लामी रवायात हैं, ठीक है। एंड इस्लामिक वैल्यूज़ क्या हैं, इस्लामिक वैल्यूज़ हैं इस्लामी उसूल, हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजारते हैं, ठीक है ना। लाइक हमारे मज़हब में क्या है, हमारे मज़हब में ये है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ फीमेल, मैं फ़ीमेल हूँ ना, तो आई एम सपोज टू कवर माई बॉडी, मुझे अपनी बॉडी अपने बालों से लेके अपने पैर तक मुझे अपनी बॉडी जो है वो कवर करनी है, ठीक है। सो मुझ पे यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, आई विल लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, मैं इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, और वेन एवर आई विल गो आउटसाइड आई विल कवर माई हेड, आई विल कवर माई बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, मैं अपने आप को सर से लेकर पैर तक छुपाऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे मेरे रिलीजियस वो है मुझ पर। ओके, दैट वॉज समथिंग अबाउट रिलीजन। द नेक्स्ट इज डायनामिक कल्चर। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द मीनिंग ऑफ डायनामिक। द मीनिंग ऑफ डायनामिक इज चेंजिंग। डायनामिक का मतलब है बदलता हुआ, ठीक है ना, और कल्चर का मतलब है वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका। सो द डायनामिक कल्चर मीन्स दैट आवर कल्चर इज़ चेंजिंग विद टाइम। टाइम के साथ साथ हमारा कल्चर जो है वो चेंज हो रहा है, हमारे रहने का तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा बात ये भी है क्योंकि साइंस जिस तरह तरक्की कर रही है, जैसे जैसे इनोवेशन्स हो रही हैं, जैसे जैसे इन्वेंशन्स हो रही हैं, सो आवर वे ऑफ लिविंग इज चेंजिंग, हमारे रहने का तरीका जो है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। आवर डायनामिक कल्चर मीन्स आवर वे ऑफ लिविंग इज चेंजिंग। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, आवर वेज ऑफ लिविंग हैव टू कीप पेस विद टाइम। पेस का क्या मतलब है, पेस का मीनिंग यहां से आप देख ले, पेस मीन्स मूविंग, हमारे जो कल्चर है वो कह रहे हैं उसको भी जो है टाइम के साथ साथ उसको मूव करना है, उसको वक्त के साथ चलना है, ठीक है ना। इट हैज़ टू मूव विद द टाइम, इसको टाइम के साथ चलना है। अगर हम टाइम के साथ नहीं चलते ना, तो फिर क्या होता है, हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे बाकी दुनिया से, ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता था, हम लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे इन ओल्ड टाइम्स, ठीक है ना। आपके दादा के टाइम पे जो है क्या होता होगा, आपके दादा के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे यूज टू राइट लेटर्स टू ईच अदर, वो एक दूसरे को खत लिखते होते थे। आफ्टर दैट इन द टाइम ऑफ योर पेरेंट्स, आपके माँ बाप के टाइम पे क्या होता था, फ़ोन आ गए, ठीक है। देन पीपल यूज टू कॉल ईच अदर, लोग एक दूसरे को कॉल करते थे। नाउ ऑन एट अवर टाइम, हमारे टाइम पे क्या आ गए थे, मोबाइल फ़ोन्स आ गए थे, सिंपल प्लेन मोबाइल फ़ोन, जिसपे हम एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज करते थे और कॉल्स करते थे। नाउ एट योर टाइम, आपके टाइम पे क्या है, आपके टाइम पे आ गए हैं, अभी 1 मिनट इज लेफ्ट, अच्छा उमर, आपके टाइम पर क्या हो गया है कि आपके टाइम पर ऐसे फ़ोन्स आ गए, आप लोग एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो 24 आवर्स, आपके पास इंटरनेट आ गया है, ठीक है ना। तो हम टाइम के साथ साथ हमारे रहने का तरीका चेंज हो गया है। जब ख़त थे, PTCL आया, जब फ़ोन आया, तो फिर क्या हो गया, ख़त का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। और अब जब इंटरनेट मोबाइल फ़ोन्स आ गए थे, तो PTCL का कॉन्सेप्ट बहुत ख़त्म हो गया था, एवरीवन वाज हैविंग हिज ओन सेल फ़ोन। और अब जब के इंटरनेट है हमारे पास, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर कनेक्टेड वाई व्हाट्सएप, एक दूसरे के साथ ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द वे कि हमारे रहने का तरीका जो है वो बदल रहा है।
ओके, इट मीन्स कल्चर इज डायनेमिक. डायनेमिक मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द मीनिंग ऑफ डायनेमिक इज चेंजिंग, बदल रहा है, ठीक है ना. द वे ऑफ लिविंग इज चेंजिंग, आवर कल्चर इज चेंजिंग, दैट इज वाई कल्चर. अच्छा, कल्चर इज डायनेमिक रादर देन स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब क्या है? रुका हुआ. आई विल शेयर द मीनिंग इन ग्रुप्स, ठीक है. स्टैटिक का मतलब रुका हुआ. आवर कल्चर इज डायनेमिक रादर देन स्टैटिक, इसका मतलब ये है कि हमारा जो तरीक़ाकार है वो क्या है, हमारे रहने का तरीका वो बदल रहा है, ठीक है. अब अगर आप सोचें कि आपसे ये फ़ोन ले लिए जाएं, आतिफ शहजाद बी क्वाइट, स्टॉप चैटिंग एंड लिसन टू मी, हमारे जो रहने का तरीका है वो क्या है, वो इट इज़ चेंजिंग विद टाइम, वो बदल रहा है, ठीक है. अगर मैं आपसे फ़ोन ले लूँ, मैं आपसे इंटरनेट ले लूँ और मैं आपसे कहूँ कि कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स वाई लेटर्स, बाई पोस्टिंग दैम लेटर्स, तो क्या आपको ये तरीका सूट करेगा? नो. अब ये ख़त लिखने के टाइम नहीं है, ठीक है ना. द टाइम हैज़ चेंज्ड. अब टाइम जो है वो क्या हो गया है, वो चेंज हो गया है. आवर कल्चर इज चेंजिंग, ठीक है. Nowadays we send emails and make phone calls to invite people. ठीक है. अब सर आप अपना होमवर्क नोट कर लें. यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू पेज नंबर 5, ठीक है ना. ये आपका होमवर्क है, आई विल शेयर इन ग्रुप. ये आपने कंप्लीट करना है, ठीक है. ओके, थैंक यू क्लास. टुडेज क्लास इज ओवर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.